हाय गाइस, यहाँ पे मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ मैं नए हीरोज़ ट्राई करूँगा और ट्राई करूँगा कि आप इससे कुछ सीख सकें। फैनिक एक मोबाइल वो है, एमएम है। इसका इसके बिल्ड पार्ट्स बहुत सारे हैं और इसका डैमेज आउटपुट भी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इन गेम रेंज भी सबसे ज़्यादा है बाकी मार्क्समैन के मुकाबले। यहाँ पे एपिसल लेन पे मैं टॉप लेन में सबसे पहले गया तो सामने पता नहीं क्यों आर्थर मिला है मुझे सामने एपिसल लेन में। यहाँ मैंने अपनी फर्स्ट एबिलिटी से उसको हरास किया, मतलब फर्स्ट एबिलिटी 4 बार स्टैक होता है तो आई डिड दैट। उसके बाद मैं यहाँ स्काउट कर रहा हूँ हम लोग का जंगलर, मतलब ये नोटिस करना ज़रूरी है तुम्हारा जंगलर कहाँ से स्टार्ट करता है। यहाँ पे मॉर्फियस ने बहुत अच्छा काम किया, उनका रेड उसने स्टील कर लिया तो उससे उसको काफ़ी लीड मिल गई होगी अर्ली गेम। ये बहुत ज़रूरी है गाइस नोटिस करना, शायद हम लोग का भी रेड स्टील हो गया था। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट बैड रेड था मगर आई कैन कंपनसेट इफ आई एम, अगर मैं ये आर्थर के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा हूँ तो। अब यहाँ पे मेरा पहला बिल्ड था बीस्ट, मतलब आई पर्सनली लाइक कि बीस्ट में पहले बनाऊँ द बीस्ट क्योंकि उससे अच्छा हील भी होता है। और यहाँ पे गाइस ये यहाँ पे इसलिए मुझे फ्लिकर बहुत अच्छा लगता है, आर्थर के पास कोई स्केप था ही नहीं, जस्ट लाइक दैट। बहुत उसका डैमेज आउटपुट बहुत अच्छा है फेनिक का। अब यहाँ पे गाइस लास्ट हिटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जो मेरे से होती नहीं ट्राई करना है कि तुमसे हो। और ये नोटिस करने भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फर्स्ट किल है वो भी टावर में स्टैक होता है, ये फैनिक का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे फॉर सम रीज़न मगांगा ऊपर है इस समय, मैं मैप में देख रहा हूँ कौन कहाँ है, हमारा सुपर में हम लोग का कॉम ठीक है, उतना बुरा भी नहीं है। इस मैच में एपेक्स वॉज लैगिंग फॉर सम रीज़न। अभी यहाँ पे ये विजन लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम जब भी जा रहे हो तो। शायद मैं नहीं ले पाता हूँ क्योंकि वो पनिश कर देता है इसमें। यहाँ पे प्रेटा रोम करना है, अली रोम प्रेटा बहुत बुरा है, मतलब तो कुछ कर नहीं सकता प्रेटा से। यहाँ पे मैं बस फोकस कर रहा हूँ फार्म करूँ कैसे भी, और मेरा कितना फार्म, मतलब मेरी फार्मिंग डिसाइड करेगा मेरा डैमेज आउटपुट। अभी उतना कुछ सीरियस तो है नहीं। यहाँ पे मगांगा आता है, वाइल्ड मगांगा पियर्स, मैं उसको मार रहा हूँ और यहाँ पे डैश किया ताकि मैं और डैमेज आउटपुट दे सकूँ। इस पॉइंट पे मैंने देखा कि ज़्यादा एक्सटेंड करना ठीक नहीं है इसलिए मैं पीछे गया, एंड हाँ वो अपनी शील्ड और हिल के कारण बच जाएंगे। अब इस पॉइंट पे मैंने, मतलब गाइस हम डिस्कॉर्ड पे थे तो मैंने नीचे कॉल कर दिया था कि पुश करो नीचे क्योंकि ऊपर 3 मेंबर्स हैं। कम्युनिकेशन इज की टू विनिंग। यहाँ पे आर्थर पता नहीं क्यों ट्रेड करता है, अच्छा इसलिए करता है ताकि मगांगा से उसके पास बैकअप था। यहाँ पे मुझे रिकॉल करना चाहिए और ये जंगल की हेल्प करने के सोचता मगर हम लोग का जंगलर अच्छा है, उसने वो ले लिया। यहाँ पे मगांगा वो एक्सटेंड कर देता है और ऊपर शायद 2 मेंबर्स है इसलिए मान नहीं सकता। जेनियल आई सर्वाइव लाइक 1 HP में, अच्छा यौन नहीं है सामने। अभी मैं हील कर रहा हूँ, अभी मैं फार्मिंग में बहुत पीछे हूँ, एक्सपीरियंस उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए क्योंकि सामने 2 मेंबर्स है और जेनियल बेसिकली डीएस लेन के लिए है। वो जेनियल भी अभी सपोर्ट भी अच्छा है मगर डीएस लेन ज़्यादा सूटेड है। अब जवाब खेल सकते हैं आप मगर ये उतना रोम नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। अभी मैं बेल्ट पाथ पे देख रहा हूँ गाइज, ऑलवेज ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, एक आइटम के बाद बूट्स लेना, उससे आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आर्थर का पता नहीं कैसे उसने हाफ लाइफ कर दिया उसके एक आइटम से, शायद वो था स्पीयर ऑफ लॉन्गेटस समथिंग, अभी भी मुझे आइटम्स के नाम उतने याद नहीं हुए। यहाँ पे मैं स्लाइड करता हूँ वापस जाता हूँ, आई ट्राई टू अल्टी मगांगा, यहाँ पे स्टैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जैनियल का, हमारे जैनियल का बहुत बुरा अल्ट बट इट इज़ ओके क्योंकि अभी कोई मान नहीं रहा, हम ट्रेड कर रहे हैं मगर अभी तक कोई मान नहीं रहा। यहाँ पे आर्थर मिस्टेक करता है मिनियन को मार के,
तो हमें लीड मिलती है यहाँ पे पुश करने की। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। अब हमने मैप में देखा कि उनका जोकर बहुत पुश कर रहा था बॉट साइड, शायद सुपरमैन को मार ले। यहाँ पे मैंने बर्ड लिया पहले और आई ट्राई टू टारगेट लोएस्ट एचपी वाले। यहाँ पे आर्थर था मगर मैं डैश नहीं कर पाया, ये मेरा बैट था, मुझे फ्लिकर करना चाहिए था यहाँ पे पहले। अगर ठीक है, आप हर सिनेरियो में एकदम परफेक्टली नहीं खेल सकते, और इसमें डैश इंस्टेंट भी नहीं, यू एक्चुअली हैव टू स्वाइप इट। ये थोड़ा डिसएडवांटेज लगता है मुझे फ्लिकर का, क्योंकि हील भी इंस्टेंट है, तो तुम हील या पनिश भी आप ले सकते हैं। जैसे फेनिक क्या है, फेनिक मतलब मोबाइल हीरो है और उसके पास डैमेज है, तो मतलब बेसिकली आप इसको जंगल भी बहुत जल्दी खेल सकते हैं, और इसका वेव क्लियर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग का जंगलर पहले से डिसाइडेड था, इसलिए आई डिसाइडेड मतलब कि मैं जंगल नहीं गया। यहाँ पे मैंने अल्टी कर दी। गाइस अल्टी करना कोई बिग डील नहीं है अगर आप वेव क्लियर कर रहे हैं तो, छोटा छोटा भी गोल डिफरेंस काफ़ी मायने रखता है इस गेम में। यहाँ पे अटैक स्पीड का अब थोड़ा शायद वॉर बूट्स बना रहा हूँ। हाँ, हम लोग को बर्ड मिल गया। बार बार विजन मिलना बहुत ज़रूरी है उनके जंगलर, मतलब मेन तो उनके जंगलर को ट्रैक करते रहो, उनके जेफिस को, कहाँ जा रहा है, कब क्या करता है। यहाँ पे आई एम स्टिल फार्मिंग। यहाँ पे गाइस ये नोटिस करो कि मैं उससे एक लेवल आगे हूँ और तब भी वो पुश कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास अब क्लियर चांस है उसको ओन करने का। यहाँ पे मैंने उसको ब्लॉक कर दिया उसका पैसेज जाने से अल्टी से, मगर ही विल एस्केप। और यहाँ मेरे से गलती से फ्लिकर हो जाता है उसकी जगह फर्स्ट, माय बैड। बट क्या वो गलती थी पता नहीं, फॉर सम रीज़न वो वापस आता है एंड आई गेट माई फोर स्टैक्स एंड ऑटो अटैक। ओके, आई गेट हिम ईजीली। अब यहाँ पे मेड पे मूवमेंट्स हो रही है, मैं नोटिस करता हूँ। मैप अवेयरनेस गाइस बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा जंगलर स्टार्ट कर रहा है तो तुम्हें भी हेल्प करना चाहिए एज अ MM, ये वन ऑफ द बेसिक्स थिंग्स है। यहाँ पे शायद हमको नहीं मिलता, हाँ हम नहीं ले पाते ये वाला। यहाँ पे जैनियल का शील्ड, ज़ेफिस का डैश, आर्थर का पता नहीं वाइल्ड आरके। यहाँ पे मुझे दिखता है जोकर है, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंड कर रहा है, तो मैं मतलब वो इम्यून तो है मगर मेरे स्टैक्स पड़ रहे हैं उस पर तब भी। वहाँ पे वो बहुत अच्छा फ्लिकर करता है एंड आई कॉन्ट चेज हिम। यहाँ पे उसने गलती कर दी, वाटर अटैक, इम्यून हो गया। यहाँ पे मैंने भी वो एक्सटेंड कर दिया। ज़ेफिस का डैमेज रिडक्शन गाइस, इसलिए वो एस टीयर है, मतलब यू कैन एक्चुअली गो टू डायमंड विद ज़ेफिस, ऐसा हीरो है वो, सोलो हीरो। ऑफ लेनर भी बहुत अच्छा है। फिर मैं गाऊँगा अकेले है, हम उसको बुली कर रहे हैं लिटरली, पता नहीं लोग खेलते हैं क्यों। मैं गाऊँगा लोअर टीयर के लिए ठीक है, और वैसे गाइस ये डायमंड है, लो है, सामने वाले मोस्टली डायमंड थे। यहाँ पे वो आर्थर ओवर एक्सटेंड कर जाता है, मैं काइट करने की कोशिश करता हूँ, स्टिल नॉट डेड, मारे जा रहा हूँ। ऑटो अटैक गाइस, ऑटो अटैक थोड़ा सा बैक, फिर ऑटो अटैक, वो काइटिंग है। यहाँ पे मेरी नज़र जोकर पे थी मगर वाइल्ड ज़ेफिस अपीयर्स, यहाँ पे रिकॉल करना पड़ रहा है। बेस्ट बात हम लोग का वो अभी किल ग्रॉथ कर रहा है, किल ग्रॉथ स्प्लिट पुश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटिव रेस्ट लिया था रिकॉल करते समय। किल ग्रॉथ को बॉट टावर लेना चाहिए क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स टॉप हैं। मैं यहाँ पे ज़ेफिस को नोटिस करता हूँ मिड जा रहा है, वरना मैं अपने ब्लू लेने जा रहा था। मतलब एज अ MM आपके पास रेड होना ही चाहिए, रेड बफ। यहाँ पे एक दो तीन, मैंने तीन मार दिए मगर मैंने उस पर वो नहीं किया, फर्स्ट एबिलिटी करना चाहिए था। अब जैनियल आउट ऑफ पोजीशन है तो मैंने ये नोटिस किया, अगर उसके पहले मुझे जोकर दिख गया तो मेरे हिसाब से जोकर को मारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे हम टावर बचा लेते हैं ऑलमोस्ट, दैट वाज गुड। यहाँ पे प्रेटा को ब्लू देना चाहिए था क्योंकि प्रेटा इज़ अ हीरो जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने अबिलिटीज़ पे, अबिलिटीज़ उसको स्पैम करना ज़रूरी है, और उस चैनल पे खड़ा रहता है भाई,
मानने के लिए मेको मतलब आई पर्सनली डिसलाइक दैट मैच, पता नहीं क्यों खेलते हैं। ऐसे अपने इंडियन सर्वर्स में भी है, उतने मेजर्स आए नहीं हैं, क्या कर सकते हैं लोग, तो प्रेटा वायबल लगती है लोगों को शायद इसलिए। अब यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा गाइस, मेरा अल्टी क्या करता है वो अच्छे से जोन कर सकते हैं आप उसमें, और उसके अंदर जो भी टारगेट्स हैं ना, यहाँ पे मैं वो फ्लिकर किया ताकि मुझे क्वाड मिल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ, ग्रीडी ऑफ मी। ऐसे फ्लिकर वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कूलडाउन पूरा 2 मिनट है गाइस, पूरा 2 मिनट, मतलब मान लीजिए आप 20 मिनट का भी गेम्स खेल रहे हैं तो 2 मिनट्स कॉस्ट कर सकते हैं आपको गेम। यहाँ पे टावर मजाक में ले लेगा फेनिक का, और डैमेज आउटपुट फेनिक ऐसे हीरोज में से जो आपको कैरी कर सकता है काफ़ी ऊपर, अगर आप मास्टर कर लेंगे हीरो तो ही विल गेट यू दैट स्वीट बॉर्डर। यहाँ पे मैंने अल्टी किया, बहुत ही बुरा पोजिशनिंग मेरे साइड से, फॉर सम रीज़न मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने जितना डैमेज आउटपुट यहाँ पे करना था वहाँ पे मैंने किया। यहाँ पे हील गेट जोकर का इस गेट जोकर, हाँ, और केल ब्रॉथ पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने कोर तक ही पहुँच गया वो तो मारने के लिए, इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए यार किल्स के लिए, क्योंकि केल ग्रॉथ क्या है अभी, वो तो मतलब ऐसा टाइप का हीरो है जो एमएम टाइप का है, मतलब न्यूक्लियर टाइप का है, उसको खाटी बॉक्स मिले हैं। अभी यहाँ पे बिल्ड्स देख सकते हैं, सामने वाली टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं था बट उनका कॉम भी ठीक ही है। बिसाइड दैट मगांगा पिक गाइस, आई कैन सोलो डार्क स्लेयर, पता नहीं उसको क्यों डार्क स्लेयर सोलो करना था शुरू में, मतलब एक पॉइंट में हमको समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों बोल रहा है वो सोलो डार्क स्लेयर, क्योंकि उसके जो आइटम बिल्ड मैंने देखा था वो टैंक बना रहा था मोस्टली, और एक वो था, अगर वो अकेले कर लेता तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस ड्रैगन कोई आ नहीं रहा था तो मैंने खुद ही ले लिया। यहाँ पे मैं अभी भी फार्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बिल्ड कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे ज़ेफिरस डर जाता है तो मेरे को उसका गोल्ड मिल गया, और एक्सपीरियंस के अब तो लेवल 15 है। अभी हम लोग सब जगह से प्रेशर कर रहे हैं क्योंकि किल क्रॉथ स्टार्ट कर दिया है, और इस मोमेंट में मेरे को पता नहीं था कि वो यूट्यूब के लिए कर रहा है सोलो वाला, तो मुझे लगा कि सामने वाली टीम आ जाए, क्यों कॉस करना गेम को। तो मेरा क्रिट पड़ रहा है 2000 का, जस्ट फेनिक थिंग्स। यहाँ पे अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, वो थर्ड टावर लेना, 2 टावर ले चुके हैं। फेनिक क्या है, अपने एलाइज के अराउंड खेलो, मतलब अगर तुम आउट ऑफ पोजीशन भी हो सकते हो तो भाग सकते हो, नो डाउट, मगर कितना भागोगे, नीड सम प्रोटेक्शन ऐसा टाइप का। यहाँ पे मोकांगा पता नहीं क्या कर रहा है, 1 2 3 3 में ही मर गया वो, मेरा फोर्थ वाला पड़ा भी नहीं, या तो फिर यहाँ पे डैमेज आउटपुट बहुत ज़्यादा है मेरा। यहाँ पे मैं काइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़ेफिरस आता है, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई फ्लिकर करने की अल्टी। अब ऊपर जा रहा हूँ ताकि मेरा थोड़ा लाइफ स्टील हो मेरे उससे द बीस से। यहाँ पे गेम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, 3 टावर हो गए, सुपर मिनियंस आ गए हैं और उनके 2 मेंबर्स बाकी हैं। यहाँ पे मेरा गलत फर्स्ट एबिलिटी बट इट डजेंट मैटर, यहाँ पे मैंने कर दिया ये। तो गाइस ये था फेनिक, हाउ टू फेनिक, थैंक यू।